नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस में अपने डे 205 में और अपना एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर चल रहा है जो लगभग कंप्लीट होने पर है। कुछ एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो बाकी है जो हम करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे चैप्टर में हमने बात की थी कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। एक क्वेश्चन आता है जो दो या तीन नंबर में भी पूछ लिया जाता है, उसके लिए दोनों चैप्टर है ये और अगला चैप्टर नाभिक है, दोनों मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें से भी आ सकता है, नेक्स्ट में से भी आ सकता है, दोनों में से एक में से ही आएगा, दोनों में से नहीं आता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से भी आता है और नेक्स्ट चैप्टर दोनों में से ही पूछा जाता है। उसके लिए कुछ परिभाषाएं हैं जो मैंने लिख रखी है, जिनके टाइटल कि उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव, आयनीकरण ऊर्जा, ऐसे टर्म्स जो है वो पूछ ली जाती है क्या होता है। सिंपल बातें सब वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में हम इनको लिख लेंगे क्या है। उत्तेजन ऊर्जा क्या है? उत्तेजन का मतलब हमें पता है कि उत्तेजन परमाणु उत्तेजित कब होता है, जब भी उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। जब किसी के पास उसकी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट होती है, वो उसके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। और एनर्जी लेवल जो होते हैं उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होते हैं, जितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वो उसी लेवल के एनर्जी लेवल में वहाँ पहुँचेगा, और जितनी एनर्जी ग्रहण की है उतनी त्याग कर दिया तो वापस क्या आएगा, वापस मूल स्तर में आ जाएगा। वो मूल स्तर कोई भी हो सकता है, पहले से तीसरे में जा रहा है तो पहला मूल स्तर हो गया, दूसरे से चौथे में जा रहा है तो दूसरा उसका मूल स्तर हो गया। तो उत्तेजन ऊर्जा है क्या? वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँचता है, या ये कह सकते हैं कि दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, फिर इससे संबंधित बात करेंगे उत्तेजन विभव की। तो पहले उत्तेजन ऊर्जा लिख लेते हैं कि वह ऊर्जा जिसे ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। अब देखो न्यूनतम जो होता है वो n बराबर 1 कक्षा में रह सकता है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ऊर्जा का मान हम पहले निकाल चुके हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ मैं, en इज इक्वल टू क्या है, -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले कक्ष की, दूसरे की, तीसरे की, सबकी हमने निकाल रखी है, दोबारा हम नहीं निकालेंगे, अभी जो जरूरत है उतनी बात करेंगे आप। तो पहले की ऊर्जा कितनी होगी, -1 का डिवाइड करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही होगी। पहले से दूसरे में जाना है तो कितनी ऊर्जा चाहिए, दूसरे की ऊर्जा माइनस पहले की ऊर्जा, दोनों का अंतराल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में जाना है जाने के लिए, तो n बराबर 1 से किस में जाना है, n बराबर 2 में। तो यहाँ इसका रिजल्ट क्या आएगा, n बराबर 1 के लिए E1 का मान क्या आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 का मान क्या आ जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो E का मान क्या आएगा, E2 - E1, E2 का मान रखेंगे -13.6 माइनस, और ये माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी E2 - E1 करना है, पहले E2 की वैल्यू रखनी है -3.4 माइनस, और ये माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3.4 +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मान क्या आ जाएगा, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा देंगे तो वो किस में जाएगा, दूसरी कक्षा में चला जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे, इस वर्ड को ध्यान रखना, इसे प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। आगे की आप अपने आप लिख सकते हैं,
कि न्यूनतम तो यही हो सकता है कि पहले से किस में जा रहा है वो दूसरे में जा रहा है, तो उसके लिए जो ऊर्जा है वो इनिशियल स्टेज की एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे। और नमस्ते सर, और दूसरे के लिए करेंगे तो दूसरे का मतलब पहले से अगर तीसरे में जा रहा है तो वो जो ऊर्जा होगी वो द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा कहलाए। ये तो आगे उत्तेजन ऊर्जा। अब दूसरी बात करते हैं उत्तेजन विभव में, तो ये बात ध्यान रखनी है हमें, उत्तेजन ऊर्जा पॉजिटिव आएगी कौन सी कक्षा से कौन सी में जा रहा है उसके लिए उत्तेजन ऊर्जा, और डायरेक्ट पूछ ले प्रथम उत्तेजन ऊर्जा बताइए, तो प्रथम उत्तेजन का मतलब होता है कि पहला जंप कहाँ से लग सकता है, पहले से दूसरे में, पहले से तीसरे में भी लग सकता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा द्वितीय उत्तेजन, पहले से चौथे में लग सकता है वो हो जाएगा तृतीय उत्तेजन। अब बात करते हैं उत्तेजन विभव की, विभव क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल है, पोटेंशियल कौन सा, वो पोटेंशियल जो किसी परमाणु को दिया जाए तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाए उत्तेजित हो जाए, उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाए, बात वही है। लेकिन अब यहाँ हमें क्या बताना है, हमें विभव बताना है, तो अगर आपको विभव पूछ लिया तो फिर हमें ऊर्जा नहीं बतानी, हमें विभव ही बताना है, विभव ही बताना है, ठीक है। उस विभव के अनुसार जब ऊर्जा निकालनी है, कि अगर विभव दे दिया कि 50 वोल्ट विभव पर ऊर्जा बताइए, तो हमें 50 वोल्ट विभव पर ऊर्जा बतानी है, तो ऊर्जा निकालने के लिए विभव का यूज करेंगे हम। लेकिन जब डिफाइन करना है विभव को, तो ऊर्जा को डिफाइन नहीं करना, तो विभव को ही डिफाइन करता है। विभव से ऊर्जा कैसे निकालते हैं, कार्य ऊर्जा होती है, कार्य बराबर क्या होता है डब्ल्यू बराबर ई वी होता है, वी की परिभाषा है ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू बराबर क्या आ जाए वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू आ जाए, और क्यू की जगह क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, इसलिए क्या आ जाएगा ई वी। तो हम उसको क्या करना है ई से मल्टीप्लाई कर देना, अगर आपको वी दे दिया तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। हम चार्ज से क्या निकाल सकते हैं, चार्ज से ये सॉरी विभव से एनर्जी निकाल सकते हैं, हम उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां जब हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं तो वहां चार्ज क्यू कुछ भी हो सकता है, 10 कूलम 5 कूलम कुछ भी हो सकता है वहां, तो हम वहां क्यू की फॉर्म में लेते हैं उस आवेश को, तो उस आवेश का मान जो भी होगा वो वहां पुट करते हैं। लेकिन यहाँ फिक्स इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन से ही मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा उत्तेजन विभव, वह विभव जिसे किसी परमाणु को देने पर वह उत्तेजित होता है, उत्तेजित होने का मतलब अतः क्या हो जाता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है या संक्रमण करता है। तो इसे विभव से यदि विभांतर दिया जाए तो ऊर्जा, तो ऊर्जा को किसे परिभाषित करेंगे E इंटू V से, V का मान रख देंगे, इसे मल्टीप्लाई करते हैं और मिल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपने आयनीकरण ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, ये बात पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इन सब की अंदर भी बात करें तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इन तीनों में से वैसे तीनों ही महत्वपूर्ण है, शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे ही बातें पूछी जाती है। आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, आयनीकरण ऊर्जा किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। और मुक्त कब होता है इलेक्ट्रॉन, मुक्त किससे होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन किससे मदा रहता है नाभिक से, उसका आकर्षण किसके साथ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो क्या करता है उसको आकर्षित करता है, आकर्षित करके उसको बांधे रखता है, खींच के रखता है, तो उसको वहां से हटाने के लिए, वहां से निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वही आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो जब वो एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस आकर्षण से मुक्त हो जाता है, उस आकर्षण को तोड़ देता है और फ्री हो जाता है। अब इसको यहाँ मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, हमने तो ऊर्जा स्तरों के रूप में डिफाइन कर रखा है, भाई EN की वैल्यू -13.6 बटे N स्क्वायर होती है, तो उसमें हमने एक बात लिखी थी कि इलेक्ट्रॉन कब मुक्त होता है, जब उसकी ऊर्जा ये माइनस में जो एनर्जी आती है, माइनस में जो एनर्जी आती है वो क्या बता रही है
नाभि के साथ अट्रैक्शन को बता रही है, और जब यहाँ अनंत ले लेते हैं, अनंत ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को वहां से अनंतवी कक्षा में भेज दिया जाए, कहां से? जिस कक्षा में वो है, अगर दूसरी से निकाल रहे हैं, दूसरी कक्षा से अनंतवी भेज दो, पहली कक्षा से निकाल रहे हैं तो पहली कक्षा से अनंतवी कक्षा में भेज दो, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमें ये बात जरूर काम आएगी कि अनंतवी कक्षा में भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसी को आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। मैथमेटिकली फॉर्म के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे नजदीक कब होता है? पहली कक्षा में होता है नाभिक के, तो सबसे ज्यादा आकर्षण लगता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए उसको हटाने के लिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, देखो ऊर्जा का मान कम होता जाता है, सेकंड के लिए -3.4 आ जाता है, और आगे जाते हैं तो और कम होता रहता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ रही है, एक तो नाभिक नाभिक यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कक्षा में है, एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, तो क्या होगा, ये सबसे पास है तो सबसे ज्यादा आकर्षण लग रहा है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए इसके लिए। और ये इससे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको एनर्जी इसके कंपेरिजन में कम चाहिए, ये इसकी डिस्टेंस और भी ज्यादा हो गई न्यूक्लियस से, तो आकर्षण क्या होता है, बल क्या होता है, बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कोई भी बल हो चाहे यूनिवर्सल हो, ये कि बल हमेशा दूरी के वर्ग के, चाहे हम घर्षण बल पढ़ते हैं, चाहे हम कूलॉम बल पढ़ते हैं, चाहे कोई और बल पढ़े, हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े, सब में ये बात अप्लाई होती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है इसका मान, तो अगर जैसे इसको अनंतवी कक्षा में ले जाएंगे तो ऊर्जा इसका आकर्षण क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, सिंपल ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से मुक्त करने के लिए, परमाणु का मतलब क्या है, परमाणु का मतलब है नाभिकीय आकर्षण, ये बात ध्यान रखना कि परमाणु का मतलब है नाभिकीय आकर्षण से मुक्त करने के लिए, परमाणु से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनीकरण ऊर्जा कहलाती। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो या ये भी लिख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन को अनंतवी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहलाते हैं। अब कैसे निकालें ये ध्यान रखना, इसमें एक डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लेते हैं कैसे निकालें कि एग्जांपल प्रथम कक्षा के लिए आयनीकरण ऊर्जा, तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन को कहां से अनंत में भेज दो, तो ई अनंत माइनस ई वन, अंतिम ऊर्जा स्तर माइनस प्रारंभिक ऊर्जा स्तर, तो कहां से जा रहा है, वन से जा रहा है, किस में जा रहा है, अनंत में जा रहा है, तो ये हो गया ई, इसकी ऊर्जा ई अनंत हो जाएगी, इसकी ऊर्जा ई वन हो जाएगी। ध्यान रखना किसी भी कक्षा में, यहाँ किसी दूसरी कक्षा से नहीं घटाना है, यहाँ कनेक्शन किसके साथ रहेगा, इनफाइनाइट ऑर्बिट के साथ रहेगा, तो अगर उसे मुक्त करना है तो अनंतवी कक्षा में हमें इसको भेजना पड़ेगा। इसकी ऊर्जा क्या होती है, जीरो होती है, माइनस ई वन का मान क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए वैल्यू आती है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में दिया भी इसीलिए जाता है कि आप इसके उत्तर माइनस में लिखे हैं, इसीलिए इसी गलती को करवाने के लिए दिया जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि आयनीकरण ऊर्जा क्या है, माइनस में जो वैल्यू है वो तो क्या है, आकर्षण है, किसके साथ, नाभिक के। आयनीकरण क्या है, नाभिक से आकर्षण को खत्म करने के लिए ऊर्जा जो चाहिए, तो हमें उसके अपोजिट ऊर्जा बाहर से दे रहे हैं, वो ऊर्जा एक्सटर्नल मेथड है, उसके लिए बाहरी कोई माध्यम है, उससे हमें एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी क्या है, नेगेटिव नहीं है, आकर्षण नहीं है, वो आकर्षण को फ्री करने के लिए, तो वो एनर्जी किस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब आप देखो जो भी पहले हमने निकाल रखी है वो सारी आप यहाँ लिख लिए अपने आप, मैं एक लिख देता हूँ, द्वितीय कक्षा के लिए
द्वितीय कक्षा के लिए क्या होगा, E का मान प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो 3-4 जो हमने पहले निकाले थे वो तो आप निकाल लें और ध्यान भी रखें ताकि समय बचे। एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें डायरेक्ट वैल्यू बतानी होती है, भाग लेने में लगेंगे कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड तो डिस्टर्ब होंगे, तो वो भी बचे। इसलिए 3-4 वैल्यू तो बहुत जगह यूज़ हो चुकी है, इसलिए उनका ध्यान ही रखो, जहाँ पर भी काम आएगी वहाँ डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। आवर्ती तंग धीरे निकालने के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो जिनके बारे में हमने पहले बात कर ली। तो उसमें भी क्या होता है कि अगर अगर इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में जाता है तो उत्सर्जित तरंग धीरे क्या होगी, तो जाता है तो वापस भी आता है, वापस आता है तो क्या करता है, तरंग उत्सर्जित करता है, जिससे तरंग धीरे ज्ञात हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, E3 - E1। अब E3 की याद नहीं है तो फिर हम भाग देने बैठेंगे, इन लोगों का भाग देंगे कितना आ रहा है, तो हम उसमें कम से कम 10-20-30 सेकंड डिस्टर्ब करेंगे। उससे बेटर क्या है कि 3-4 का ध्यान रखें, जो सब जगह यूज हो रही है, तो सभी न्यूमेरिकल बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। बाकी एक बात और रहेगी इसके अंदर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसके लिए रिवाइज कर लें।